वेलकम टू माई YouTube चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कार्स अंडर 10 लाख रुपीज़ इन इंडिया। अगर आप न्यू कार बाय करने का प्लान कर रहे हैं और आपका बजट 10 लाख रुपीज़ तक का है तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है। सो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों नंबर 8 पे है रिनॉल्ट काइगर, जिसका बेस वेरिएंट का एक्सशोरूम प्राइस स्टार्ट हो रहा है 5.99 लाख रुपीज़ से एंड ऑन रोड ये कॉस्ट कर रही है अराउंड 6.78 लाख रुपीज़। रिनॉल्ट काइगर इज अवेलेबल इन पेट्रोल वेरिएंट ओनली, सीएनजी एंड डीजल में ये नहीं अवेलेबल। एंड इसमें आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है 999 सीसी का पेट्रोल इंजन, जिसकी माइलेज है अराउंड 20 किलोमीटर पर लीटर ऑन हाईवे एंड सिटी माइलेज इज अराउंड 16 किलोमीटर पर लीटर। नंबर 7 पे है टाटा पंच, जिसका बेस वेरियंट का एक शोरूम प्राइस स्टार्ट हो रहा है 6.13 लाख रुपीज से एंड ऑन रोड ये कॉस्ट कर रहा है अराउंड 6.91 लाख रुपीज। इस कार में आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है 1199 सीसी का एंड इस कार की माइलेज है अराउंड 20 किलोमीटर पर लीटर ऑन हाईवे एंड सिटी माइलेज इज अराउंड 16 किलोमीटर पर लीटर। टाटा पंच इज अवेलेबल इन पेट्रोल एंड सीएनजी वेरिएंट, डीजल वेरिएंट इज नॉट अवेलेबल। इस गाड़ी की सीएनजी पर माइलेज है अराउंड 28 किलोमीटर पर केजी। नंबर 6 पे है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO, जिसके बेस वेरिएंट का शोरूम प्राइस स्टार्ट हो रहा है 7.49 लाख रुपए से एंड ऑन रोड ये कॉस्ट कर रहा है अराउंड 8.49 लाख रुपए। एंड इस कार में आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है 1197 सीसी का, जिसकी माइलेज है अराउंड 19 किलोमीटर पर लीटर। महिंद्रा एक्सयूवी 3XO इज अवेलेबल इन पेट्रोल एंड डीजल वेरिएंट बट नॉट इन सीएनजी वेरिएंट। नंबर 5 पे है मारुति फ्रॉन्क्स, जिसका बेस वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस स्टार्ट हो रहा है 7.51 लाख रुपए से एंड ऑन रोड ये कॉस्ट कर रहा है अराउंड 8.51 लाख रुपीज। इस गाड़ी में आपको मिल जाता है इंजन डिस्प्लेसमेंट 1197 सीसी का, जिसकी माइलेज है अराउंड 22 किलोमीटर पर लीटर ऑन हाईवे एंड सिटी माइलेज इज अराउंड 16 टू 18 किलोमीटर पर लीटर। सीएनजी में ये गाड़ी अवेलेबल है बट नॉट इन डीजल वेरिएंट। सीएनजी में इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी माइलेज है, जो कि है अराउंड 30 किलोमीटर पर केजी। नंबर 4 पे है हुंडई वेन्यू, जिसका बेस वेरिएंट का शोरूम प्राइस स्टार्ट हो रहा है 7.94 लाख रुपए से एंड ऑन रोड ये कॉस्ट कर रही है अराउंड 8.99 लाख रुपीज। इस गाड़ी में आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है 1197 सीसी का, जिसकी हाईवे माइलेज है अराउंड 18 किलोमीटर पर लीटर एंड सिटी माइलेज इज अराउंड 15 किलोमीटर पर लीटर। एंड हुंडई वेन्यू इज अवेलेबल इन डीजल वेरिएंट बट नॉट इन सीएनजी वेरिएंट। नंबर 3 पे है किया सोनेट, जिसका एक शोरूम प्राइस बेस वेरिएंट का स्टार्ट हो रहा है 8 लाख रुपीज से एंड ऑन रोड ये कॉस्ट कर रही है अराउंड 8.98 लाख रुपीज। इस गाड़ी में आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है 1197 सीसी का, जिसकी माइलेज है अराउंड 18 किलोमीटर पर लीटर ऑन हाईवे एंड सिटी माइलेज इज अराउंड 15 किलोमीटर पर लीटर। किया सोनेट इज अवेलेबल इन डीजल वेरिएंट ऑल्सो बट नॉट इन सीएनजी वेरिएंट। नंबर 2 पे है टाटा नेक्सन, जिसमें आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है 1199 सीसी का, जिसकी माइलेज है अराउंड 18 किलोमीटर पर लीटर ऑन हाईवे एंड सिटी माइलेज इज अराउंड 15 किलोमीटर पर लीटर। इस गाड़ी का एक्सशोरूम प्राइस स्टार्ट हो रहा है 8 लाख रुपीज से एंड ऑन रोड ये कॉस्ट कर रही है अराउंड 9.5 थाउजेंड रुपीज। नेक्सन इज अवेलेबल इन पेट्रोल सीएनजी एंड डीजल वेरिएंट। नंबर 1 पे है मारुति ब्रीजा, जिसका एक्सशोरूम प्राइस स्टार्ट हो रहा है 8.34 लाख रुपीज से एंड ऑन रोड ये कॉस्ट कर रही है अराउंड 9.37 लाख रुपीज। इस गाड़ी में आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है 1462 सीसी का, जिसकी माइलेज है अराउंड 18 टू 20 किलोमीटर पर लीटर। ब्रीजा इज ऑल्सो अवेलेबल इन सीएनजी इन डीजल वेरिएंट, जिसकी माइलेज सीएनजी पे है अराउंड 28 किलोमीटर पर केजी। ओवरऑल अकॉर्डिंग टू सेफ्टी रेटिंग टाटा पंच काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, जिसमें आपको पेट्रोल इंजन मिल जाता है एंड साथ के साथ सीएनजी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। बट अगर बात करें माइलेज के अकॉर्डिंगली तो मारुति फ्रॉन्क्स की काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, जिसकी माइलेज है अराउंड 22 किलोमीटर पर लीटर ऑन पेट्रोल एंड सीएनजी में आपको 30 किलोमीटर पर केजी के अराउंड माइलेज मिल रही है। आपको इन सब कार्स में से कौन सी कार बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताएं एंड और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।